नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर और आज राजनीति में एबीपी गंगा पर शाम 7 बजे आपसे मिलूंगा, एक ऐसे विषय पर जिसने पूरी देश की सियासत में भूचाल ला दिया था। बात सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की नहीं थी, प्रश्न कुछ ज्यादा बड़े थे। मामला था शिवसेना के नेता और दैनिक सामना के संपादक संजय राउत का बयान, जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी और एक अंडरवर्ल्ड के डॉन करीम लाला के संबंध में कही। बहुत ही खतरनाक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी करीम लाला से मिलने जाती थी। करीम लाला इंदिरा गांधी से मिलने नहीं जाता था। इंदिरा गांधी देश की जो सबसे सशक्त प्रधानमंत्री मानी जाती रही हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश विभाजन करवाया, 71 वार के बाद जिन्हें दुर्गा के नाम से नवाजा गया, उनकी बात हो रही है कि अंडरवर्ल्ड डॉन से वो मिलने जाती थी। कुछ तस्वीरें भी आई हैं राष्ट्रपति भवन में और तमाम लोगों के साथ कैसे इंदिरा गांधी उनसे मिल रही हैं। सवाल यही है, बात भले ही महाराष्ट्र में हुई हो, सियासत अपनी जगह है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच में जो नोकझोंक चलती रहती है या जो धींगा मुस्ती या नूरा कुश्ती जो भी आप कहें वो चलती रहती है, लेकिन प्रश्न यहाँ राजनीति में उससे थोड़ा आगे का है। जब बात हम देश के सबसे बड़े सूबे की करते हैं, उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर सियासत में माफिया का जो गठजोड़ है या माफिया की दखलंदाजी है, वो किस हद तक पेवस्त है कि अभी तक लगातार दागी, टेंटेड, ये सब बातें चलती रही हैं। लेकिन ईमानदारी की बात है कि क्षेत्रों में नेता के हिसाब से चर्चा नहीं होती है। माना जाता है कि अमुक हिस्सा इस माफिया डॉन का है, अमुक हिस्सा इस माफिया डॉन का है, यहां पर उसकी बादशाहत चलती है, यहां पर उसका राज चलता है। आखिर सवाल यह है कि जब हम सबसे परिपक्व और सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, तो उसमें माफियाओं, बाहुबलियों और ये अंडरवर्ल्ड की घुसपैठ इतनी ज्यादा संगीन कैसे हो जाती है, वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो जाते हैं। और एक पार्टी नहीं, कोई दो पार्टी नहीं, शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जिसने सुविधा के लिहाज से इन माफियाओं के साथ में गठजोड़ ना किया हो। और माफिया सरकार चलाते रहे हैं, एक दूसरे पर ये आरोप लगाते रहे हैं। अपराधियों की सरकार होना, एक दो अपराधी हो जाना अलग बात है, लेकिन संगठित अपराध। और आपको ये समझना पड़ेगा, जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड की बात होगी तो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के जो तथाकथित बादशाह, ये अच्छा शब्द है लेकिन कहा इन अपराधियों के बारे में जाता है, जो सारे जरायम करते हैं, जो हर तरीके के अवैधानिक काम करते हैं, उनकी बादशाहत चलती है, इस तरीके से इनको पेश किया जाता है। और उत्तर प्रदेश, चाहे वो बात करें आप छोटा सलीम की बात करें या बात करें आप दाऊद की जो मोस्ट वांटेड है, सबका कनेक्शन उत्तर प्रदेश से होता है। और मुंबई अंडरवर्ल्ड और उत्तर प्रदेश के लोगों से उसके कनेक्शन किसी से छिपे हुए नहीं है। तमाम रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं, गृह मंत्रालय की, आईबी की, लेकिन ये जो गठजोड़ टूटने का नाम नहीं लेता है। तो क्यों नहीं नाम लेता है, ये जो बयान संजय राउत का आया है, इसके निहितार्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज विषय भी हमारा यही है कि सवाल यह है कि आखिर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, अभय सिंह, हरिशंकर तिवारी, आज की तारीख में हरिशंकर तिवारी पर कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जब बात होती थी तो निश्चित तौर पर गोरखपुर से जब नाम लिया जाता तो माना जाता था कि वहां पर वो डॉन है। वीरेंद्र शाही, जिनकी हत्या हो चुकी है, इसी तरीके से आप नाम गिनना शुरू करिए, श्रृंखला लगातार बढ़ती चली जाएगी। निर्भय सिंह गुर्जर, उसने तो साफ साफ नाम ले लिया था, एक पूर्व मुख्यमंत्री का और उसके बड़ी पार्टी के नेता का, जब उसने नाम ले लिया तो उसके बाद उसका एनकाउंटर होता है। वरना ये जो संरक्षण होता है सियासत का, शायद यही इन माफियाओं की संजीवनी होता है। और सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए क्या इन माफियाओं का संरक्षण या इन माफियाओं के साथ गठजोड़ इतना जरूरी है कि जनता उनके आगे बौनी साबित होती है? क्या जनता इनके पीछे चलती है? और प्रश्न सबसे बड़ा यही है कि जो रहनुमा कहे जाते हैं, जिनको नेतृत्व करना है, तो जो खुद पथ भ्रष्ट हैं, जो राह से भटक चुके हैं, यानी वो अपराधी जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं, जो मानवता के खिलाफ काम करते हैं और जो कानून व्यवस्था को ध्वस्त करते हैं, जनता को त्रस्त करते हैं, उनके बूते पर जनता का वोट लेकर
देश पर राज करने की ये जो प्रवृत्ति है, ये और जो गठजोड़ है, ये आखिर कब खत्म होगा? आजादी के इतने सालों के बाद निश्चित तौर पे जो आजादी का स्वप्न जिन धुरंधरों ने देखा था, जिन स्वप्न दृष्टाओं ने देखा था, उन्होंने इस तरीके की कल्पना तो नहीं की होगी कि विदेशी हुकूमत उखाड़ी जाए और अपराधियों के दम पर अगर सत्ता चलाई जाए तो इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। तो इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा भी करेंगे, और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर निश्चित तौर पर यकीन मानिए जेल में रहकर भी लगातार इन अपराधियों का, इन माफियाओं का राज चलता है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpgangaट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpgangaट्विटर।